डियर स्टूडेंट्स आदाब, अकमल उर्दू रहनुमा चैनल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। कई दिनों से बच्चों की ये डिमांड आ रही थी कि क्लास टेंथ का भी जो पोर्शन डिलीट किया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, उसकी भी डिटेल जो है मैं एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करूं। तो आज मैं इस वीडियो के जरिए आपके सामने जो क्लास टेंथ का जो आपका उर्दू का जो सब्जेक्ट है उसमें जो चैप्टर्स हैं, जो असबाक हैं, जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने डिलीट किए हैं, उनकी तफसील मैं इस वीडियो में पेश कर रहा हूं। तो जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का डिलीटेड पोर्शन है जो उन्होंने जारी किया है, वो उस पर हम बात करेंगे। और आप अपनी किताब लेकर साथ में बैठे तो उस डिलीटेड पोर्शन को जो असबाक है उस पर अपने किताब में जो है क्रॉस लगा दीजिए, ताकि वो सबक जो हटा दिए गए हैं वो अब आपको नहीं पढ़ने हैं। और एग्जाम में जब आपका एग्जाम होगा बोर्ड का, तो उसमें इन असबाक में से, इन पाठों में से, इन लेसन्स में से जो है वो सवाल नहीं आएंगे, तो आपको इसको पोर्शन को स्किप कर देना है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन सा पोर्शन आपका डिलीट कर दिया गया है और आपको कौन से असबाब, कौन से पार्ट हम एग्जाम की तैयारी के लिए पढ़ने हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आपके 10वीं क्लास से कौन कौन से जो आपके लेसन्स हैं, सबक हैं, वो आपके हटा दिए हैं। तो आपके स्क्रीन पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का ये परीक्षा 2021 के लिए हटाया गया भाग ये आपके स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। चलिए देखते हैं किताब का जो आपका नाम है वो आप जानते हैं, नवाए उर्दू। और दो हिस्से आपकी किताब के हैं, पहला हिस्सा है नसर है और दूसरा है हिस्सा है नज्म। तो हिस्सा है नसर में अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको हटाया गया है ये जो आपका सबक है, अपनी मदद आप, पहला सबक है ये आपकी किताब का, जिसके राइटर हैं सर सैयद अहमद ख़ान। तो अपनी मदद आप, ये आपके सबक हटा दिया गया है। और ये आप अपनी किताब में नोट करते चलें, पेज नंबर 2 पर ये सबक आपको मिलेगा, सफ़ा नंबर 2 पर। दूसरे नंबर पर अगर आएँ तो ये देखिए आप, बेगम हज़रत महल, ये एक और सबक है जो 6 नंबर का सबक है। ये भी आपके डॉक्टर मोइनुद्दीन शाहीन का लिखा हुआ सबक, ये हटा दिया गया है, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 41 पर। पेज नंबर 41 पर ये सबक है, बेगम हज़रत महल, अभी आपके कोर्स में नहीं है तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद जो सबक हटाया गया है वो है हुब्बुल वतनी, वतन की मोहब्बत, हुब्बुल वतनी, मोहम्मद सादिक साहब का लिखा हुआ ये सबक है। और पेज नंबर 66 पर ये आपके सबक है। आप अपनी किताब खोल लीजिए, किताब की फहरिस्त यानी जो सूची होती है सबकों की, जो सूची है इंडेक्स, उसको खोल लीजिए, उसमें नोट करते चलिए या किसी पेपर पर लिख लीजिए, ये हुब्बुल वतनी मोहम्मद सादिक साहब का लिखा हुआ पेज नंबर 66 पर ये सबक है, ये अब आपके कोर्स में नहीं है। उसके बाद अगला देखिए आप, किस्सा मियाँ एटम का, किस्सा मियाँ एटम का, ये शाहिद अख्तर खान साहब का लिखा हुआ सबक है, ये भी अब आपके कोर्स में नहीं है। और ये है सफ़ा नंबर 71, पेज नंबर 71 पर ये आपके सबक है, तो ये भी अब आपके कोर्स में नहीं है, तो ये हटा दिया गया। तो इस तरह से आप देखें कि नसर का जो पार्ट है आपके, ये नसर वाला जो हिस्सा है, उसमें 1, 2, 3, 4 सबक आपके, सबक नंबर 1, सबक नंबर 6, सबक नंबर 9 और सबक नंबर 10, ये 4 असबाक आपके कोर्स से हटा दिए गए हैं, तो अब आपको ये चारों नहीं पढ़ने। तो ये तो था हिस्सा नसर। अब हम चलते हैं हिस्सा नज़्म की तरफ, जो सेकेंड पार्ट है आपकी किताब का, उसमें देखते हैं उसमें क्या क्या हटा दिया गया है। तो यहाँ आप देखें, यह है आपका हिस्सा है नज़्म, ये आपकी यूनिट। तो यूनिट फर्स्ट चंद अहम असनाफ़ सुखन मरसियर मसनवी, डॉक्टर शाहिदुल हक चिश्ती साहब का लिखा हुआ ये आर्टिकल है। इसमें असनाफ़ सुखन मरसिया और मसनवी के बारे में, दो असनाफ़ सुखन मरसिया और मसनवी के बारे में बताया गया था, तो ये अब आपके कोर्स में से हटा दिया गया है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल पार्ट भी था, तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि इसको हटा दिया गया है। सफ़ा नंबर 104 पर ये आपको मिलेगा,
आपकी किताब के सफ़ा नंबर 104 पर ये सबक मौजूद है, तो इसको आप क्रॉस कर लीजिएगा, ये अब आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद आप देखें सबक नंबर 3, नज़्म का सबक नंबर 3, नात शरीफ, बैजार लखनवी की लिखी हुई नात शरीफ है, जो सफ़ा नंबर 115 पर है। तो ये सफ़ा नंबर 115 पर लिखी हुई ये नात शरीफ, ये अब आपके कोर्स में नहीं है। हालांकि मैंने इसका वीडियो बना रखा है, आप देखना चाहें एक बार ऐसे, या देख चुके हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अब इसके सवाल जवाब आपको नहीं करना है। लेकिन फिर भी नात की जो तारीफ़ है वो ज़रूर अपने जहन में रखें कि ऐसी नज़्म जिसके अंदर अल्लाह के रसूल की तारीफ़ बयान की जाए उसको नात कहते हैं, हो सकता है सवाल आ जाए, और नहीं भी आए तो ये हमें मालूम होना चाहिए। अगला जो सबक है नसर में नज़्म के अंदर वो है 7 नंबर का सबक, 7 नंबर 7 जिसका उनवान है कमज़ोर की मदद, हफीज़ जालंधरी साहब का लिखा हुआ है, और ये सफ़ा नंबर 134 पर आपको मिलेगा, पेज नंबर 134 पर अगर आप देखेंगे तो ये कमज़ोर की मदद, ये जो नज़्म है हफीज़ जालंधरी की, ये अब आपके कोर्स में नहीं है। अगला देखें तालीम निस्वा, नस्वा नहीं है, तालीम निस्वा सबक नंबर 9 है, ये हिस्सा है नज़्म का, खुदा दाद खां मोनिस साहब की लिखी हुई, तो ये खुदा दाद खां मोनिस साहब की लिखी हुई जो नज़्म है तालीम निस्वा, ये अब आपके कोर्स में नहीं है, औरतों की तालीम, और ये है पेज नंबर 142, सफ़ा नंबर 142 पर। उसके बाद इसी के साथ अगली जो नज़्म है 10 नंबर की नज़्म, यूनिट नंबर 10 यानी सबक नंबर 10, जश्न आज़ादी, मखमूर दहलवी साहब की लिखी हुई नज़्म है, ये भी अब आपके कोर्स में नहीं है, ये भी अब आपके कोर्स में नहीं है, ये है पेज नंबर 148 पर, 148 पर है, तो ये भी अब आपको नहीं पढ़नी है। उसके बाद इसी के साथ अगला सीरियल में जो सबक है हमारा राजस्थान, प्रेम शंकर श्रीवास्तव साहब की लिखी हुई नज़्म है, सबक नंबर 11 है ये, पेज नंबर इसका है 153, नोट करते चलें, पेज नंबर 153 है, तो ये भी अब आपके कोर्स में नहीं है, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। तो ये तो कुछ नज़में थीं, ये तो असनाफ़ सुखन थी जो हटा दी गई है, मरसी और मसनवी, तो ये कुछ अहम असनाफ़ सुखन थी, मरसी और मसनवी, जिनको आपको पढ़ना था, और इनकी तारीफ़ और इनकी जो है अज्जाए तरकीबी वगैरह की डिटेल आपको पढ़नी थी, हटा दी गई है, तो एक बड़ा पोर्शन था और मुश्किल पोर्शन था आपके लिए, तो ये आपके लिए आसानी इसमें हो गई है। उसके बाद आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, तो 5 नज़में जो हैं वो, ये 5 नज़में भी हटा दी गई हैं, ये भी एक बड़ा पोर्शन है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी आसान हो गया है। अब आते हैं गज़लियात की तरफ, यानी गज़लें, तो गज़लियात का जो पोर्शन है उसमें दो ही शायर आपके कोर्स में हैं, एक तो मीर तकी मीर, एक मिर्ज़ा गालिब, और दोनों की दो दो गज़लें जो हैं वो हमारे कोर्स में थी, तो अब यहाँ ये किया गया है कि दोनों की एक एक गज़ल हटा दी गई और एक गज़ल आपको पढ़नी है। यानी अगर आप किताब में अपनी देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि मीर तकी मीर की एक गज़ल थी अश्क आँखों में कब नहीं आता, तो वो अब आपको पढ़नी है, और ये जो दूसरी गज़ल है फ़कीराना आए सदा कर चले, ये आपको नहीं पढ़नी है। तो ये जो गज़ल है ये है पेज नंबर 164 पर, आपको इसको अब नहीं पढ़ना है। इसी तरह से मिर्ज़ा गालिब की दो गज़लें आपके कोर्स में थी कि दर्द मिन्नत कश दवा ना हुआ, वो तो आपको पढ़नी है, लेकिन ये बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, ये जो दूसरी गज़ल है ये अब आपको नहीं पढ़नी है, ये पेज नंबर 171 पर है। तो इस तरह से गज़लों में आप देखें कि शायर तो दोनों रखे गए हैं, तो मीर तकी मीर की जो हालात ज़िंदगी हैं वो भी आप याद करना, मिर्ज़ा गालिब की हालात ज़िंदगी है उसको भी आप एक बार देख लेना, क्योंकि इस पर एक सवाल आता है, और ये जो इनकी गज़लें हैं तो दोनों में से एक एक गज़ल हटा दी गई है और एक एक गज़ल ये अब आपको पढ़नी है, तो ये भी बहुत आसान हो गया है आपका कोर्स। तो इस तरह से अगर आप देखें तो हिस्सा नज़्म के अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा पोर्शन जो है हिस्सा नज़्म में से हटाया गया है, और हिस्सा नसर में से जो है वो उतना पोर्शन नहीं हटाया गया, और ये अच्छा किया क्योंकि हिस्सा नज़्म में आप लोगों को ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो अब कोर्स आपके लिए काफ़ी आसान हो गया है, तो आपने अगर अभी तक पढ़ाई को सीरियसली शुरू नहीं किया है और ये सोच रहे हैं कि शायद एग्ज़ाम हो या ना हो और ज़ीरो सेशन हो जाएगा, तो इस तरह की कोई बात नहीं है, सिलेबस कम कर दिया गया है और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम एज इट इज़ होंगे 10वीं क्लास के, तो सीरियसली आज से आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, और इसमें से ज़्यादातर जो टॉपिक्स हैं, ज़्यादातर जो सबक हैं उसके लेसन्स जो हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, आप उनको देखिए
और जहाँ कहीं भी आपको तकलीफ़ आती है, परेशानी आती है, आप कमेंट करके जो है हमें बता सकते हैं, या आप व्हाट्सएप के ज़रिए भी या कॉल के ज़रिए भी मुझे बता सकते हैं कि हमें इस पोर्शन में परेशानी आ रही है, तो हम उसका वीडियो बनाकर आपके लिए यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। तो आज से ही कमर कस लीजिए और अपनी पढ़ाई में बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही सीरियसली और टाइम टेबल बनाकर इस काम को तरीके से शुरू कर दीजिए, ताकि आपको कामयाबी हासिल हो सके। फ़कत वसलाम।